दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे 4 दिन की, वो भी जनरल क्लास में। भाई आप सभी को पता होगा अगर आपने 2 पार्ट देखे हो कि मेरा क्या हाल हुआ था, कैसे कैसे नमूनों से मेरा पाला पड़ा। यात्रा कर रहा था ना, दूसरे दिन मेरा सर घूमना स्टार्ट हो गया था। जो मेरे साथ हुआ ना भाई, कसम से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्लीज़ ये 2 पार्ट इसके देख लो भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, सीरियसली। तो चलिए अभी हम आंध्र प्रदेश में घुसने वाले हैं, आज हमारा लास्ट दिन है विवेक एक्सप्रेस में। तो चलिए यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। उधर जाके उतरो, इधर स्टेशन नहीं है। केले, केले, केले। तो दोस्तों शाम के 4:08 हो रहे हैं और डिब्रूगढ़ से 2428 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विवेक एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 35th हॉल्ट पे, जो अपना विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। साथ में पहले हम उड़ीसा में थे, उड़ीसा में सीधा जंप किया हमने और पहुंच गए विशाखापट्टनम में, क्योंकि पीछे जो स्टॉपेज थे तो छोटे मोटे स्टॉपेज थे और इतनी लंबी गाड़ी है, जनरल में निकलने से इतना टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बाकी 20 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का विशाखापट्टनम पे, लेकिन यहाँ पे भी ये ट्रेन 40 मिनट लेट आई है और अब देखते हैं लोकोमोटिव इसका चेंज होने वाला है और मैं दिखा नहीं पाया भाई आपको। बाकी भगते हुए आ गया मैं आपको कपलिंग। तीसरा लोकोमोटिव लग चुका है हमारी लॉन्गेस्ट ट्रेन के साथ, तो अभी चलते हैं पीछे कुछ खा पी लेते हैं यार, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत हल्का सा खाया था, उसके बाद हमने कुछ खाया भी नहीं और अभी कुछ देख लेते हैं। यहाँ से भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है जनरल में, ये सारी जनरल की भीड़ है भाई। और जो मैं गलती करने के लिए जा रहा था, मतलब एसी में बैठ रहा था जनरल की टिकट लेके, वो तो चलो मैं मजबूरी में चढ़ गया 2 मिनट के लिए, उसके बाद ये बाइक को चस्का पड़ गया भाई एसी में बैठने का। ये कम से कम भी भाई दोपहर से बैठ के शाम तक आ रहे थे बैठ के, और बताओ फिर क्या हुआ, टीटी आया 500 रुपये और 500 रुपया कैसे लिया वो बताओ, पहले छीन ली टिकट। नहीं अब हम लोग को पूछा है टिकट दिखाओ, हाँ बोला ऐसा ऐसा, तो इनको पूछा कि टिकट दिखाओ और इन्होंने जनरल की टिकट दिखाई और उसके बाद उसने छीन लिया आपसे टिकट। हाँ ये दोनों थे, तो इनसे छीन ली जनरल की टिकट और फिर क्या बोला पैसे दो, पैसे दो, फिर 500 रुपया लिया और फिर जबरदस्ती करके लिया और फिर इनको जनरल में भेजा। नहीं नहीं ऐसे कैश देंगे, सो ये ले ली। हाँ ये कितने की है, 50 55 55 30 की है ये 35 35 भाई 30 रुपए की है यार, ये 50 हुए टोटल। यहाँ पे वही कहानी हो रही है, 5 रुपए 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के बोले जाएंगे, बढ़ाओ मत दीजिए, जितना MRP है उतना ही दीजिए। ये सोचते हैं कि मतलब ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दे दो। गर्म है ना, ये ठंडा हो चुका है, नॉर्मल है, बोंडा मीठा होता है ना भैया। ये बच्चे को फ्रूट दे देना, ये वाला माचा, हाँ ये दे दो ठीक। कौन सा, वो सामने देख रहा है, हाँ ये बच्चे को दे दे, हाँ दे दो इसको। तो 4:26 हो रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है वो रेडी हो चुकी है डिपार्ट करने को विशाखापट्टनम से। देखिए पैक हो चुकी है पूरी ट्रेन भाई, पूरी पैक हो चुकी है। देखिए विशाखापट्टनम से डिपार्चर और अपनी जो फौज है, देखिए जनरल फौज पूरी भर चुकी है, देखिए पलंग लग चुके हैं अंदर। व्हाई आई गो बैक, आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़ फ्रॉम हियर, ओके राइट नाउ कार्टून दे इधर पीछे जाना भाई, बैठ जा यार। देखिए भाई डिपार्चर हमारी ट्रेन का विशाखापट्टनम से, मतलब जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन आगे से ये रास्ता चेंज करेगी। भाई टाइम कैसे पास करें कुछ पता नहीं चलता। देखिए भीड़, 3 दिन से ऊपर हो गए हमें बैठे बैठे यहाँ और हमारी हालत भाई मत ही पूछो यार। कैसे निकलना है यहाँ से भाई, ये बुलबुलैया में फंस गया यार, जिंदा ना निकलूं बाहर, मर के बाहर निकलना है।
भाई हो जाओ यार आगे पीछे तो हो ना, ये देखो वो लोग किधर जाऊंगा मैं तो कहीं अच्छी जगह देख रहा हूँ बैठने के लिए। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा नहीं है गिरा है। क्या करना है जिंदगी में? जिंदगी में पीना है, जीना है, गुजरना है। क्या कहाँ चल रहा है? अब तो चार्ज खत्म हो गया लगता है। तो चार्ज खत्म हो गया। अच्छा छोरी लग रही थी और ये हाँ। ओ भाई दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मैं इससे गिर गया था, लेकिन क्या करें यार, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना रेस्ट करने का, तो फिर से हम इस पलंग में जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। अब ना गिरे तो अच्छा है यार। तो दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं और भाई सर घूम रहा है भाई, एक मिनट बैठने दो भाई। ओ भाई जर्नल में कुछ पता नहीं चलता यार, पहले बैठ जाता हूँ। और 2777 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है हमारी विवेक एक्सप्रेस ने और हम पहुँच चुके हैं इसके 40। अगर कुछ गलत बोलूँगा तो माफ़ कर देना भाई, सच में इतना बुरा हाल है ना भाई, क्या बताओ यार, मैंने गलती कर दी जर्नल में आके, अब क्या करूँ, चैलेंज लिया तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो 2777 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 40 हॉल्ट पे, जो अपना बीजेवाड़ा जंक्शन BZA स्टेशन कोड है इसका। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन एक घंटा हमारी ट्रेन लेट आई है। यहाँ पे 9 बजे टाइम था लेकिन 10 बजे के आसपास आई है। और आप सोचेंगे कि विशाल भाई ये बकेट लेके कहाँ घूम रहा है, तो भाई ये जो बकेट है ना इसकी अलग ही कहानी है, क्योंकि भाई 3 दिन हो गए मुझे बिना नहाए हुए, ना मैं नहाया हूँ ना कुछ किया हूँ। मेरी जो बॉडी है वो ऐसे मतलब गोंद होता है ना गोंद, ऐसे चिपचिप हाथ लगाने को मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोचा कि अगर कल नहीं नहाया तो मैं तो भाई कल रात को क्या पता लेट पहुँचे गाड़ी, तो कल नहाएंगे। ये बकेट अपनी दोस्त था यहाँ विजयवाड़ा से, तो उसी से मंगवा ली हमने, तो थैंक यू सो मच पहुँचा दी। यहाँ पे एक स्टॉल था, वहाँ से हमने ये बकेट ले ली, बाहर से मंगवाई थी लेकिन यहाँ पहुँच गई वो, तो कल इसे नहाएंगे हम। तो क्या करें भाई, नहाना तो पड़ेगा ना, मैं आपको दिखाने को नहीं भी दिखा सकता था कि मैं आपके साथ बिल्कुल फ्रैंक हूँ यार, आपकी आप मेरी फैमिली की तरह हो, ठीक है, बाय गॉड मैं आपको नहीं भी दिखा सकता लेकिन आप मेरी फैमिली की तरह हो। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ आप मेरा मजाक लेते हो, कुछ लोग मजाक लेते हैं कि साला पागल है ये कुछ भी करता है, तो भाई जो ब्लॉग में है यार रियलिटी दिखाओ ना, ऐसे स्क्रिप्टेड ब्लॉग तो बहुत होते हैं लेकिन रियलिटी कोई कोई दिखाता है। ये बकेट ली मैंने, मैं नहीं भी दिखा सकता इसको, पहले कोच में छोड़ सकता लेकिन मैंने आपको दिखाई ना, क्यों दिखाई, क्योंकि मैं जो होता है ना भाई गॉड प्रॉमिस मैं आपको वही दिखाता हूँ। तो कल नहाएंगे बकेट से, वो भी दिखा देंगे, इतना नहीं दिखाएंगे लेकिन एसी में नहाया था आपने मजाक लिया था, बट क्या करें कल दिखा देंगे आपको, ठीक है। क्या चीज है सेब कितने का है? 100 रुपए का। और ये 30 का। सो ये अंकल से ले लिया भाई, हमने केला भी ले लिया और बैर भी ले लिए। बाकी ये अंकल पूछ रहे थे बाल्टी किसके लिए, अंकल को बता दिया मैंने कि भाई नहाने के लिए बाल्टी ली है, 4 दिन से नहाया नहीं था। और तो ये अपनी बकेट में सामान वगैरह डालने के काम आ गए। पानी देना अंकली, पानी है ना, बढ़िया, कल नहाएंगे इससे, 3 दिन से ट्रेन में थे कुछ नहीं। तो देखिए 10:12 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस निकल चुकी है भाई, आ गए अभी अपने कोच में हम। शराब शराब, बाबा देखो कैसे देख रहे हैं, शराब 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 साल दे गई भाई, वो मैं सच में दे गई, शराब शराब
मैंने इसको बताया तो था, मंगवाई थी ना। क्या भाई ये कौन सा ब्रिज है बता दे थोड़ा। हाँ कौन सा ब्रिज? ये कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है? हाँ कृष्णा नदी का ब्रिज है। तो भाई देख लो जनरल का हाल बहुत ही बुरा हाल है, ना नींद आती है ना कुछ आता है, ना लाइट बंद होती है। तो अब थोड़ा सा बैठ बैठ के रेस्ट कर लेते हैं, सीधा आपको सुबह मिलते हैं ठीक है। अगली चौथे दिन गुड मॉर्निंग भाई, चौथी बार आज हमारा चौथा दिन है किसमें विवेक एक्सप्रेस में, और अभी हम पहुंचे हैं सेलम जंक्शन पे। टाइम हो रहा होगा अभी तकरीबन 8 बज रहे होंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन है भाई, हालत है ना बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है। क्यों एंड यहाँ पे कितने लोग फिर आ गए हैं भाई चौथे दिन भी आज, मतलब दो दिन रमान रहा था जब तक, जब से हमने कंप्लेन करी थी, लेकिन आज फिर से आ गए। रुको 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 देगा 20 रुपये, तुम लड़का ये चक्का ये मेरा साथ में छोड़ 20 रुपया दसरा में जाएगा। दसरा मोटा क्या कर रहे पागल है क्या? दे दो पैसा। देखो भाई किन्नर लोग का हिम्मत देखो, अभी हम सेलम जंक्शन क्रॉस किए हैं, कईयों से 10 रुपए लिए हैं, कईयों से 50 रुपए लिए हैं, और जो 100 रुपया देता है और बैलेंस नहीं देते हैं उसको। ये है देखो ये भाई है, इससे ले लिए उन्होंने 50 रुपए, इससे मार मार के कूट कूट के 10 रुपए, इसका पता नहीं है, इससे लिए हैं सुई चुबाई, इसको जो होता है ना सेफ्टी पिन होती है वो उसने चुबाई, और 10 रुपए इससे भी ले लिए आपसे, इसको भी पिन मारा इससे पैसे ले लिए, भाई ने नहीं दिए साथ में, इसको बोल के गया तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बीवी किसी और के पास जा, बोल के गया ना। भाई देखो अगर छक्कों का इलाज नहीं किया एक साथ मिलके, इनको रिपोर्ट नहीं किया छक्कों को, तो भाई एक दिन ऐसा आएगा कि ये 100 रुपया लेंगे एक बंदे से, अगर नहीं देगा तो पिन चुबाएंगे या कुछ मतलब गंदी हरकतें करेंगे आतंकवादी। बाकी नीचे लेडीज बैठी थी, इन्होंने फिर भी शर्म नहीं की, पूरे कपड़े खोल के दिखा रहे थे भाई, ये लोग आगे ऐसे है भाई, ये किंदर लोग हैं या क्या बड़ा है भाई, ये ऐसा नहीं होता यार। अगर तुम्हें पैसे लेने प्यार से दो ना, जिसकी श्रद्धा है वो प्यार से देगा, तो ये गलत है। ये देखो कोई नहीं इनमें से, कोई सब ने दे दिए पैसे, रख ये देखिए 15 रुपए का बोतल है, कितने का? 20 रुपए। बोलो 20 रुपए का है ना, और ये कितने का? ये 40 रुपए। 40 रुपए। चल पैंट्री कार में, चल पैंट्री कार में, आ जा पैंट्री कार में, आ पैंट्री में जा, पैंट्री में जाना। तू तेरी कंप्लेन करता है। कितना इसका? 15 रुपए ना, और जो दूध की बोतल है उसका कितना प्राइस है? 35 रुपए। आपका जो बंदा है दीपक, भाई ऑनलाइन कंप्लेन कर दो, मेरे पास प्रूफ है ठीक है। आप बंदा बोलता है जो करना है कर ठीक है, बंदा बोलता है जो करना है कर, मैंने बोला भाई ओवर प्राइस है, मैंने उसको एक बार बोला भाई ओवर प्राइस है, मैंने उसको 100 रुपया दिया। पैसा रख लो। नहीं नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा। 10 रुपए तो लिया है ना, 10 रुपए बहुत सारे लिया है ना, वो तो 10 रुपए खुला देना का बोला 40 रुपए का दूध का हिसाब देता है। बोलो सॉरी, अगर प्यार से बोलता ना भाई, ये तो इसको 20 ही दे देता भैया, तुम तो उम्रदार आदमी है ना, तुम्हारे बराबर का है ना, बोलता भैया है भैया 5 रुपया 10 रुपया गुटका, तो क्या हो जाता तुमको? ये दिखा रहा है ना, अगर मैं इसको बोला मैंने ऑनलाइन कंप्लेन तो कर दे ऑनलाइन, फिर अभी नहीं है यार रिकॉर्ड, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं सॉरी बोल, ठीक है गलती हो गया भैया।
बाकी दोस्तों 3494 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विवेक एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है त्रिपुर में स्टेशन को TUR। और एक दो स्टॉप नहीं कवर किया मैंने क्योंकि भाई वो उलझ गया था। बंदा देखो कैसे बोल रहा है, अगर प्यार से भाई बोले ना कि भाई 5 रुपए 10 रुपए गुटखा वटका खाने के लिए होता है तो बंदा दे देता है। धमका के बोल रहा है। पेंट्री वाले ने जो उसकी मतलब जो मैनेजर था, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि भाई उसकी जो पेंट्री थी वो उसके उनके मैनेजर ने बोला भाई आपको प्लीज़ यार आपने अच्छा किया जो कंप्लेन नहीं की। एक बंदे के लिए सभी को मतलब सस्पेंड होना पड़ता अगर ऑनलाइन कंप्लेन हो जाए। बाकी देखिए दोस्तों ऑन हो चुका अपनी ट्रेन का, देखिए बड़ी बड़ी जा रही है बाय। किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विवेक एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 48th हॉल्ट पे जो है अपना कोयम्बतूर। बाकी कोयम्बतूर पे बहुत सारे यात्रियों ने ऑनबोर्ड डिबोर्ड किया है, देखिए कितने सारे यात्री उतर चुके हैं। बोडो कहाँ गया यार, बोडो किधर गया। बाकी CVE इसका स्टेशन कोड है और 3 मिनट का हॉल्ट है लेकिन इसने अपने राइट टाइम पे पहुंचाया हमें कोयम्बतूर। वो जना बादाम केसर मिल्क कितने का है, दूसरा आगे 30। सो दोस्तों देखिए कोयम्बतूर से डिपार्ट कर दिया हमारी ट्रेन ने 3 मिनट का हॉल्ट के बाद। और ये जंक्शन था दोस्तों, जंक्शन इसलिए था क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी कोट्टुपल्लम को जाती है और एक जाती है पोलाची को। एंड अभी हमारी ट्रेन जाएगी सीधे रूट पे कोट्टयम त्रिशूर वाले रूट पे जाएगी अभी हमारी ट्रेन। बाकी देखिए कोयम्बतूर से डिपार्चर। देखिए सामने VAP 7 जा रहा है रोयापुरम शेड का, बहुत अच्छा लगा सुलू कार के वीडियो ना, तुम इंस्टाग्राम पे छोड़ो। दे दो अंडा बिरयानी, कितने में आए 50 यार ये तो ठंडा हो गया भाई। तो ये आ गया हमारा खाना, ठीक है खाना तो ठीक है। तू तो बोल रहा था मैं ना बोल उतरूंगा, वही तो इधर ही है, मैं बोला ना आलू उतरेगा, आलू उतरेगा जा रहा है तू। बाकी भाई 2:45 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अलवा और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है उसके यात्री खाली हो चुके हैं। देखिए मतलब जितना ज्यादा क्राउड था ना धीरे धीरे सारा का सारा उतरता जा रहा है और मतलब पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी इतना कुलम तक। देखिए दोस्तों डिपार्चर अलवा से अलवा। नहाना है भाई अब बहुत गर्मी हो गई। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:02 हो रहे हैं एंड फाइनली 3847 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विवेक एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है एर्नाकुलम में, स्टेशन कोड ERN। बाकी एर्नाकुलम टाउन है ये एंड यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो भाई अभी पानी भर रहे हैं बकेट में, देखिए फुल हो जाए बस एक बार यार ट्रेन चलने से पहले पहले। देखिए भाई डिपार्चर एर्नाकुलम टाउन से एंड वो बकेट वो थोड़ी भर गई है भाई, देखो देखिए जो हमारी बकेट है वो फुल हो चुकी है पूरी। एंड अभी भाई थोड़ा नहा वहा लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि मैं कैसे नहाता हूँ अभी। सो नहाने के लिए अंदर तो पूरा वॉशरूम के जो अंदर है वो पूरा ब्लॉक है, यहीं पे बैठ के नहा लेते हैं। नहीं सो भाई देखो जनरल के जो हालत है वो देखिए, और जनरल में नहाने की सिचुएशन नहीं। सो अभी मैं जा रहा हूँ भाई नहाने के लिए और फासला नहा लेते हैं ठीक है।
पीछे होके अपना आओ। अभी देखो वो जो नहा रहा है, अभी देखो नहा रहा है, अभी देखो नंगा होके नहा रहा है। देखो भाई नहा लिया यार, बाथरूम का बाहर नहा लिया। तो भाई अंदर तो जगह नहीं थी यार, साबुन वाबुन की नहीं लगाया, साबुन वाबुन भी लगा देते हैं बट यार मैंने दिखा दिया आपको क्या क्या लगा रहा है भाई। हमने अभी नहा वहा लिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है यार, अभी नहा वहा के थोड़ा मतलब फ्रेश लग रहा है अभी। तो बस अभी नेक्स्ट हॉल्ट आता है तो दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कोट्टयम में और टाइम हो रहा है अभी 4:17 हैं। जो अपने भाई लोग थे ट्रेन में सारे के सारे डिबोर्ड कर चुके हैं ट्रेन को, और थोड़े बहुत रह चुके हैं जो कि त्रिवेंद्रम तक पूरी ट्रेन खाली होने वाली है हमारी। बाकी हमें लगी है काफ़ी ज़्यादा भूख और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। ये अंकल ले रहे क्या है? बिरयानी भाई साहब की बिरयानी। बिरयानी नहीं, बिरयानी नहीं खाना। बिरयानी खा खा के भाई पेट फूल गया, वो लेते हैं। चटा चटा बड़ी जी बड़ा पान बिरी समोसा। ये समोसा और ये बड़ा है। इडली डोसा नो, ये बड़ा पान बिरी है। क्या लगा किसके साथ? चटनी के साथ। चटनी दे दो। लेना है क्या? वीडियो बना रहे थे। हाँ। लेना पड़ेगा। तो ये लिए तमिल का हमने, क्या केरला से। मीठा मीठा है बट टेस्ट अच्छा। भाई तिरुवनंतपुरम पहुँचते पहुँचते हमारी जो ट्रेन है ना वो पूरी तरह से खाली हो जाती है। अभी भी हमारा सफर बाकी होता है, हम अकेले रह जाएंगे। 7:25 और हम पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन के 56 हॉल्ट पे, जो अपना तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, इसको त्रिवेंद्रम बोलते हैं, TVC इसका स्टेशन कोड है। कि दोस्तों एक अंकल मैसेज देना चाहते हैं किन्नरों को लेकर। अंकल जी बताओ आपके साथ क्या होता है? जो हो रहा था अभी तो सही है, मगर वो रास्ता पे कोई जो वो उसका मतलब। अंकल का कहना है कि जब ये घर जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट ट्रेनें होती हैं गुवाहाटी से, त्रिवेंद्रम से गुवाहाटी, तो इनके साथ क्या होता है वो बताओ। जब बेल्ट वाली
हाँ वो जो हिजरा है तुम्हारा आंध्रा और आंध्रा का ये जो हिजरा बहुत खराब है और तमिलनाडु का ये दोनों जगह का हिजरा क्या करते हैं आपके साथ हम लोग का साथ देखो हम लोग का बोलते हैं कि ऐसा 5 रुपए 10 रुपए ऐसा नहीं मांगता है सीधा बोलता है 100 रुपए निकाल अगर नहीं दोगे 100 रुपए नहीं देंगे तो अभी मानी बैग ऐसा किसी का बेल्ट लेके अंकल ने मुझे एक स्टोरी बताई पहले किन्नर ने इनसे बेल्ट मांगी तो इन्होंने बोला क्या करनी है उन्होंने बोला बेल्ट दो बेल्ट ली और उसके बाद सब मारने लग गया सबको मार मार के कितना कितना पैसा लिया जो इसके पास मिलता है 200 300 100 जितना 500 भी ले लेते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ठीक है अंकली मैं पहुंचा दूंगा ठीक है थैंक यू तो ये देखो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो किन्नरों की 10-20 रुपए तो हुए ये 100 200 500 के आ गए हैं और अगर इनका इलाज नहीं किया गया जल्द से जल्द तो भाई आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जो मजदूर लोग होते हैं ये बेचारे काम करने के लिए आते हैं देशों परदेशों से इतनी दूर आते हैं लेकिन किन्नरों का व्यवहार इनके साथ बहुत ही बुरा है किन्नर इनको मार मार के पीट पीट के इनसे पैसे ले रहे हैं तो बहुत बड़ी मतलब गलत बात है ये किन्नर अगर मानता है तो प्यार से पैसे दो ना उसको जब पुलिस आती है तो किन्नर भाग जाते हैं पुलिस के साथ भी कुछ होता होगा इनका कुछ मालूम नहीं पड़ता लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या की बात है यार अंकल की कहानी सुन के मुझे रोना आ गया सीरियसली 7:41 और अपनी ट्रेन रेडी हो चुकी है त्रिवेंद्रम से 7:15 पे निकलना था लेकिन 41 पे निकली भाई यो तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने कर दिखाया अपने आप को खुद कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ 9:38 हो रहे हैं और 10 बजे टाइम था हमारी विवेक एक्सप्रेस का लेकिन देखो कोच में कोई नहीं था मैं अकेला बंदा हूँ 2-3 बंदे थे वो उतर गए और हम पहुँच गए भाई कन्याकुमारी आपको भी बाहर दर्शन करवा देते हैं देखिए ये देखिए हमारा कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन और हमारी विवेक एक्सप्रेस खड़ी हो चुकी है और यही वो कोच है लक्की कोच है जिसमें हम आए और भाई बहुत खुशी हो रही है कि भाई हमने जनरल में इतनी लंबी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन को कवर किया हमने जनरल में बैठ के ये देखिए इंजन हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव बदल गए ड्राइवर बदल गए गार्ड बदल गए लेकिन भाई हम नहीं बदले हम तो भाई सेम थे वैसे ही आ गए ये भाई कन्याकुमारी हम कन्याकुमारी के बाहर की दोस्तों जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई जनरल में सीरियसली अगर दिल से बताऊँ तो बहुत मुश्किल यात्रा रही ये शुक्र है कि हमारे दोस्त बन गए थे ट्रेन में और हमें इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा मतलब रात को इतना नहीं सो पाते थे कोई भी उठा देता था चिल मतलब बहुत ज़्यादा शोर होता था तो हमें पता है हमारा सर कितना घूम रहा है अभी बेशक मैं खुश रहा अंदर से मुझे खुशी हो रही है लेकिन मेरी बॉडी को पता है कितनी रेस्ट की ज़रूरत है तो ये सफ़र यही पे एंड करते हैं आज का सफ़र आपको कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे से दिल से प्यार करते हो ना तो भाई प्लीज़ यार शेयर थोड़ी सी वीडियो कर दो थोड़ी रीच बढ़ाओ यार तो करते हैं यार इस ब्लॉग को यही पे एंड क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अभी थोड़ी रेस्ट वेस्ट करनी है ठीक है तो मिलेंगे एक और खूबसूरत सफ़र के साथ तब तक के लिए खुश रहें सेफ रहें और अपना ध्यान रखें ठीक है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर से दबा दें। Thank you.